बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम से पहले सेंटअप एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर बिहार बोर्ड के तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि कब से सेंटअप एग्ज़ाम होगा और इसका रूटीन क्या होगा। अगर सेंटअप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ जानकारी दे रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का सेंटअप एग्ज़ाम आयोजित कर परीक्षा फल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमा करने से संबंधित में आवश्यक सूचना। यहाँ बताया जा रहा है कि दिनांक 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। विद्यालय के प्रधान को दिनांक 15 नवंबर से 23 नवंबर तक की अवधि में अपनी सुविधा अनुसार सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय की परीक्षा आयोजित करने में अनुमति प्रदान की जाती है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 15 नवंबर से 23 नवंबर के बीच कभी भी विद्यालय के प्रधान अपनी सुविधा अनुसार सेंटअप एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो इसका कोई बिहार बोर्ड से रूटीन जारी नहीं किया जाएगा। आपके स्कूल के प्रधान अध्यापक रूटीन बनाएंगे और ऐसा होने से सारे स्कूल का रूटीन अलग अलग होगा। इसी कारण से सेंटअप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर भी एग्ज़ाम से पहले वायरल हो जाएगा। अगर आपको भी वायरल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, डिप्लीकेशन में लिंक है। और यह अभी बताया गया कि जो भी छात्र छात्रा सेंटअप एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं होते हैं या फिर फेल कर जाते हैं, उनका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सेंटअप एग्ज़ाम में सम्मिलित होने अनिवार्य है और इस सेंटअप एग्ज़ाम में कोई भी फी नहीं लगेगा। बिहार बोर्ड के ही पैसे से प्रश्न पत्र कॉपी दिया जाएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आउट पाना चाहते हो भी एग्ज़ाम से पहले आंसर के साथ, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी पर आपको मिल जाएगा।